हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉश। वैसे तो सेक्शुअल हरासमेंट के रिलेशन में आप लोगों ने एक लैंडमार्क जजमेंट सुना ही होगा, भवरी देवी केस, जिसके बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शुअल हरासमेंट के इशू को एड्रेस करते हुए विशाखा गाइडलाइंस बनाई, लेकिन वो प्रैक्टिकली कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके बाद दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस के बाद गवर्नमेंट ने 9 दिसंबर 2013 को एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जो इनिशियली प्रैक्टिकली इतना फॉलो नहीं किया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से मीटू मूवमेंट के काफ़ी चर्चा में आने के बाद ये एक्ट भी काफ़ी चर्चा में आ गया। ऑल्दो ये एक बहुत ही छोटा एक्ट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग उतनी ही क्रिटिकल है, और इसका मेन रीज़न है इस एक्ट का सब्जेक्टिव होना। सब्जेक्टिव होने से मतलब है कि कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली डिफाइन ना होना और इंटरप्रेटर्स की इंटरप्रिटेशन पे या उनके स्किल सेट पे डिपेंडेंट होना कि वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं या किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है और इसके सारे एस्पेक्ट को एक वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, सेक्शुअल हरासमेंट क्या है, कौन इंक्लूड होगा, एम्प्लॉयर कब लाइबल होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम आपको ICC कमेटी कैसे बनेगी, कंप्लेन कैसे फाइल होगी, फॉल्स कंप्लेन के रिपरकेशन क्या है, ये सब बताएंगे। वैसे तो ये एक्ट मेजरली विशाखा गाइडलाइन पे बेस्ड है। इसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है वो भी विशाखा गाइडलाइन से ली गई है, लेकिन करंट सिनेरियो और वर्ल्ड कल्चर को देखते हुए इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वर्कप्लेस। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस एक्ट को। हम शुरू करेंगे इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से। ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। नॉर्मली हमारे सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है। सो लेट्स सी, सेक्सुअल हरासमेंट है क्या। विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से फिजिकल कंटेक्ट और एडवांसमेंट, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क देना, पोर्नोग्राफी दिखाना या कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर सेक्सुअल हरासमेंट है। क्योंकि पॉश भी विशाखा गाइडलाइन पे बेस्ड है, तो पॉश में भी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में ये पॉइंट तो है ही 5, लेकिन इनके साथ ही कुछ और चीज़ों को भी ऐड किया गया है, जो है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, चौथा है इंटरफेरेंस विद द वर्क और क्रिएटिंग एंड इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट, पांचवा है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी। सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें दोनों डायरेक्ट और इम्प्लाइड सेक्सुअल कंडक्ट को कंसीडर किया गया है, ताकि क्विड प्रो क्यो सेक्सुअल हरासमेंट को कवर किया जा सके। अब देखते हैं क्विड प्रो को का मतलब क्या है। क्विड प्रो को का मतलब है दिस फॉर दैट, मतलब कि हरासर बीइंग अ पर्सन इन पावर प्रेशराइज अ वुमेन एम्प्लॉई, यूजुअली अ जूनियर, फॉर अ सेक्सुअल फेवर इन एक्सचेंज फॉर द एडवांसमेंट इन द वर्क प्लेस और थ्रेट ऑफ द एडवर्स एम्प्लॉयमेंट एक्शंस। अब आते हैं इसमें कौन कवर होगा, मीन्स हु कैन बी अ कंप्लेनेंट। कोई भी फीमेल, चाहे वो आपकी एम्प्लॉई है या नहीं है, मतलब कि आपका कोई कस्टमर या ट्रेनी या कोई भी गेस्ट जिसके साथ आपके वर्कप्लेस में हरासमेंट हुई है, वो कंप्लेनेंट हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ये सवाल आता है कि थर्ड पार्टी एम्प्लॉई जो हमारे रोल पे नहीं है, क्या वो इसमें कवर होंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि ये एक्ट बोलता है अग्रीव वुमेन, ना कि अग्रीव्ड एम्प्लॉई, विच मीन्स एवरी वुमेन इज कवर्ड वेदर शी इज योर एम्प्लॉई और नॉट। अब देखते हैं कहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। वाइल ड्राफ्टिंग दिस एक्ट, ड्राफ्टमेंट हैव रियलाइज्ड कि आज के वर्ल्ड में जो फीमेल्स हैं
वो केवल एक ऑफिस प्रेमिसेस तक कन्फाइंड नहीं है, दे गो आउट ऑन द ऑन साइट ऑफ साइट इन वेरियस डिपार्टमेंट एज वेल. सो दे हैव इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर. द ड्राफ्टमैन और द एक्ट और दिस लॉ हैज इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर बाई इंट्रोड्यूसिंग अ टर्म विच इज़ एक्सटेंडेड वर्क प्लेस विच इंक्लूड एनी प्लेस विजिटेड बाई अ एम्प्लॉई अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने अपने किसी एम्प्लॉय को ऑडिट पर भेजा है और वहाँ उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे ऑफिस में नहीं हुआ है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के कोर्स ऑफ एक्शन से, बिकॉज शी वॉज डूइंग हर एम्प्लॉयमेंट एट दैट टाइम, उससे अराइज हुआ है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. हाँ, इनकेस आपने ऑडिट पर भेजा था, ऑडिट ख़त्म करके आपका एम्प्लॉई अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ या इवन इफ अकेले भी कहीं और चला जाता है और वहाँ ये इंसिडेंट होता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. सो ये था हमारा पहला वीडियो ऑन पॉश. बाकी के प्रोविज़न हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे और सारी डिटेल्स, कंप्लेन कैसे की जाए और ICC कैसे फॉर्म की जाए, इन सब के बारे में हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे. इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल कंड्यूसिव लीगल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.